लंबा गहरा सांस लेंगे 2 से 3 बार, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद महर्षि पतंजलि जी की जो प्रार्थना है वो करेंगे हम लोग। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्येनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोष्मिन्। दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे से रब करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, उसके बाद अपने चेहरे से स्पर्श करेंगे और धीरे से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे। धन्यवाद मनोज जी धन्यवाद सर। जी। कल हमने क्या पढ़ा था आप लोग हैंडल्स करिए, कल का जो हमने पढ़ा था उसको कौन बताएगा माइक खोल के? कल का ओवरव्यू, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था और कल हमने क्या पढ़ा था, तो उसका ओवरव्यू कौन देना चाहेगा? अपनी स्वेच्छा से आप लोग हाथ खड़े करिए। सोनिया जी का खड़ा हुआ है जी, बाकी लोग? जी नौरंगशा जी, बाकी लोग आगे कभी क्यों नहीं आते हैं? पुष्पा जी हैं, प्रमिला जी हैं, आप लोग भी खड़ी हाथ खड़ा नहीं जी। शुक्ला जी आप बताइए, शॉर्ट में बताना है ठीक है। सर हमने कल पंचम उपदेश पढ़ा था, जिसमें पिंगल पद का सामंजस्य, जिसमें शिव ने परम तत्व के लिए क्या कहा है, इसको सर डिटेल में बताऊं? नहीं, बस ऊपर ऊपर से बताओ क्या क्या बोला है, क्या क्या जी, पढ़ा था हमने। हाँ और इसमें सर निरुत्थान दशा जो है उसके बारे में बताया गया है, पढ़ा था हमने, जिसमें इसके पिंड होते हैं, इसमें पिंड और परपिंड जिसमें आत्मा का अनुसंधान करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ा था। और समस्करण किसे कहते हैं, और पिंड सिद्धि के बाद योगी का वेश किस तरह का होता है। जी बढ़िया। सोनिया जी आप बताइए, और जो बचा है वो? सोनिया शाह जी जी, कल हमने चतुर्थ अध्याय पढ़ा था, पिंडाधार। तो उसमें हमने शक्ति के, निजा शक्ति के 2 तत्व पढ़े हैं, कुल कुल और अकुल, उनके 5 प्रकार भी पढ़े थे। उसके बाद कुंडलिनी शक्ति के बारे में पढ़ा था, जो उसके 2 प्रकार प्रबुधा और अप्रबुधा। और उसके बाद जो शक्ति के 3 रूप है, अध, मध्य और ऊर्ध्व, वो भी पढ़े थे। और उसके बाद थोड़ा सा ही 5वां अध्याय पढ़ा था, पिंड पद समरस भाव। तो उसमें हमने देखा था वो समरस का मीनिंग क्या है, और योगियों का वेश कैसे होना चाहिए, और उसके बाद वो वेश धारण करने का क्रम, यहाँ तक देखा था। जी ठीक है। तो आज हमारा पंचम अध्याय खत्म हो जाएगा और छठा अध्याय शुरू भी हो जाएगा हमारा उपदेश ठीक है। तो इसमें पंचम अध्याय में हमने पढ़ा था योग मार्ग क्या होता है, पाखंड मार्ग मतलब पढ़ेंगे अभी, वो पढ़ा भी था शायद हमने। और पिंड सिद्धि के बाद योगी का वेश कैसा होता है, जब उसको शरीर में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसका जो वेश है वो कैसा होता है, योगी का वेश धारण करने का क्रम क्या है, क्या क्या धारण करता है वो, गुरु की महत्ता के बारे में ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे गुरु की महत्ता, साधन क्रम के 4 सोपान पढ़ेंगे हम, योग की परिभाषा, योगी को 1 से 12 वर्ष में जितनी सिद्धियां मिलती हैं उस सिद्धि के बारे में पढ़ेंगे, गुरुकुल परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे, 5 संतानें हैं देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्रेश्वर सदाशिव, साधना की 5 परंपराएं, योग की 5 अवस्थाएं, स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय तुरीयातीत, सदगुरु कौन है,
उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो गुरुकुल संतान की 5 परंपराएं यहाँ पे दी हुई है, अंदर पढ़ेंगे डिटेल में इसको, और 6ठा अध्याय शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नोट से हमारे। जी, यहीं से पढ़ना था ना आपको? जी, ठीक है ठीक है। तो जी, 1 मिनट रुकिएगा। तो योगी की वेश धारण करने का क्रम क्या है कि योगी जो है, जब उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, शरीर पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, तो उसका जो वेशभूषा है वो कैसी होती है? शंख बजाता है वो योगी, शंगी मतलब सींग से ध्वनि करता है, लंगोट पहनता है, ये सब उसकी बाहरी वस्तु है, मतलब जो बाहरी पहनावा है। जो संसार योगी को पहचानेगा कैसे, बिना पहनावा के कैसे पहचानेगा? तो वो जो बाहरी चीजें हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे, कि शंख बजाना, शंगी सींग से ध्वनि करना, लंगोट पहनना, पैरों में खड़गांव पहनना, अंग वस्त्र जो होता है और बहिर्वस्त्र कंबल आदि जो पहनना, विशेष प्रकार का छाता होता है उनके पास ताकि उनको दिक्कत ना हो, बेत का डंडा होता है, कमंडल कमंडल होता है जिसमें वो पानी रखते हैं और उस पानी से वो शराब वगैरह देते हैं। ठीक है, भस्म से त्रिपुंड बनाना, मतलब माथे पे 3 प्रकार की डंडी उस तरह की होती है, आपने देखा होगा, आप महाकाल कभी गए होंगे, महाकाल के मंदिर, तो वहां पे भी आपको लगाते हैं वो लोग इस तरीके से अंगुली से। ठीक है, तो भस्म द्वारा 3 रेखाओं वाला माथे पर तिलक लगाना, उसके बाद आगे चलते हैं। ऊपर बताए गए सभी चीजें गुरु वंदना करके प्रतिदिन लगानी चाहिए, मतलब गुरु वंदना करना आवश्यक है, बिना गुरु वंदना करके आपको नहीं लगानी है। ऊपर बताए गए सभी चीजें गुरु वंदना करके प्रतिदिन लगानी चाहिए, देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट बोला है हमारा, इसमें बोला है पिंड सिद्धि हो जाने पर, जब आपको पिंड की सिद्धि हो जाएगी, जब आपको शरीर पर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, पिंड सिद्धि हो जाने पर महान योगियों को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, जब पिंड की सिद्धि होगी तो सभी तरह की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी, महान महान योगी कहलाएगा वो। फिर बहुत दिन बाद ने बोला है कि परम पद वेश से प्राप्त नहीं होता है, जो परम पद है, जो श्रेष्ठ पद है, यहाँ नकार दिया है, पहले बोल दिया कि भैया ये पहनना पड़ेगा आपको, ऐसे आपको वेशभूषा करनी पड़ेगी, आपको तिलक लगाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, काफी चीजें बोल दी, बाद में उसको नकार दिया है। बाद में बोला है कि परम पद वेश से प्राप्त नहीं होता है, जो आपने वेश पहना है उससे प्राप्त नहीं होता है परम पद, श्रेष्ठ पद उससे प्राप्त नहीं होता आपको, परम पद वेश से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वेश का संबंध देह से ही है। ठीक है, जो आप कपड़े कपड़े पहनते हैं, जो भी शंख बजाते हैं, जो भी चीज आप बाहरी चीज, ये सब बाहरी चीजें हैं। ठीक है, तो ये इससे आपको परम पद नहीं मिलेगा, ये तो ढोंगी भी कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे ढोंगी देखेंगे अपने अपने भारत में, काफी लोग, हरिद्वार गया था वहां मैंने देखा, मैं घाटे बैठा हुआ था तो वहां पे एक साधु आया, बढ़िया सब कुछ पहना था उसने, भगवा पहना था, हर चीज पहन रखी थी उसने, उसकी बड़े बड़े दाढ़ी थी, मूंछ थी उसकी, बट वो गाली बक रहा था, बहुत खराब खराब गंदी गंदी गाली दे रहा था, वो दारू पी के आया था, नशे में था पूरा। ठीक है, तो ये ऐसा, इसका ये मतलब नहीं कि वजह जिसने ये धारण कर लिया तो वो योग्य हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट ये निशानी होती है संसार में योगियों की, जो बाबा वगैरह होते हैं वो इस तरह से कपड़े पहनते हैं, इस तरह से ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ बताया गया है, बाकी बाहरी पहनावे से कुछ नहीं होता है, बाहरी पहनावे से कोई योगी नहीं बनता है। ठीक है, आंतरिक चीज ज्यादा महत्व करती है, मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। परम पद वेश से प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वेश का संबंध तो देह से ही है, वेश मात्र समाज में योगी का परिचय कराता है। ठीक है, कि बताता है कि हाँ ये योगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है, इसमें बोला है कि लोक में अनेक प्रकार के व्यवहार प्रचलित हैं। ठीक है, उनमें कुछ निम्न है, कुछ उत्तम है, कुछ उसमें कम है, कुछ ज्यादा है उसमें व्यवहार, उनमें 3 प्रकार के व्यवहार को अलग अलग करके उत्तम स्वधर्म कहा गया है, मतलब काफी व्यवहार है, बहुत सारे व्यवहार, उनमें भी 3 व्यवहार श्रेष्ठ बताए गए हैं, 3 व्यवहारों में से भी योग उसमें बोला है कि, और उसमें जो भी विशेष है वहां योग मार्ग है, तो उन 3 लोक व्यवहार में से योग मार्ग सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, सबसे विशेष जो है वो कौन सा है, कौन सा है विशेष मार्ग बताइए, योग मार्ग, योग योग मार्ग। ठीक मार्ग। है ठीक है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इसने बोला है कि शिव जी ने अन्य सभी शास्त्रों में कहा है कि सभी वेदों और स्मृतियों में योग योग मार्ग से श्रेष्ठ कोई अदर मार्ग नहीं है। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ योग मार्ग ही है। ठीक है, आपने योग भी जो पढ़ा होगा, शायद ज्ञान,
अपने पुष्पा जी ने पढ़ाया होगा आपको, क्या पढ़ाया था पुष्पा जी ने जो बीच में अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ ना, वो क्या पढ़ाया था उसमें कि ज्ञान के माध्यम से मोक्ष नहीं मिलता है, ज्ञान और योग दोनों साथ होना चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ाया था उन्होंने? क्या जी सर पढ़ाया था पढ़ाया था, एक्सप्लेन करिए थोड़ा। कि केवल ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आपको योग का मार्ग अपनाना पड़ेगा, उसी से प्राप्त होगा आपको मोक्ष। मतलब ज्ञान और जो योग दोनों का होना जरूरी है। अच्छा हाँ केवल बोल सही है, केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा। देखिए इसका एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, आप हठ रत्नावली पढ़ लीजिए, आप घेरण संहिता पढ़ लीजिए, आप पूरे योग पढ़ लीजिए, आप तब तक आप उन आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप अपने शरीर पर शक्ति पा लेंगे क्या? मुझे बताइए, पढ़ने से क्या आपका आसन लग जाएंगे? बताइए नहीं, मुझे, आप लोग अभ्यास बोलिए, करना पड़ेगा। अभ्यास करना पड़ेगा ना, बिना अभ्यास के ना ध्यान लगेगा ना आसन लगेंगे, बस आपको ज्ञान हो जाएगा वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बीमार पड़ जाएंगे आप, पढ़ने आप पूरे टाइम बैठे रहोगे पढ़ते रहोगे वो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे और मर जाओगे, बट जो चीज पढ़ रहे हो उसी को आप अभ्यास भी करोगे। आधे से ज्यादा योगा टीचर जो होते हैं ना, जो तैयारी करते हैं नीट जीआरएस की, 75% लोग अभ्यास नहीं करते हैं, ठीक है, वो लोग बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, जो चीज पढ़ ली, इतने आसन दिए, इतने प्राणायाम दिए, इतने ये दिए, बस वो दिए हैं, बस याद कर लिया, रट रट लिया उनको, पेपर में जाके एग्जाम दे दिया, बस और कुछ नहीं करना है, बस अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ज्ञान जरूरी है और अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास भी करना है आप लोग को, बस ज्ञान देना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखें आप लोग। 1 घंटा सुबह सुबह अपने शरीर को दें, जो पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करें अपनी लाइफ में, तब जाके आपको सिद्धि मिलेगी। अब बोला है कि योग क्या है, स्थिता स्थिता स्फूर्त ज्ञान, सत्संगति और तर्क से प्राप्त ज्ञान, जो परम पद या परम पीठ से जोड़ता है, जो आत्म परमात्मा, एक तरह से इसका मतलब ये है कि जो ऐसा ज्ञान जो अपनी आत्मा को तो अपने परपिंड मतलब पिंड से जोड़ता है, अपने शरीर से जोड़ता है, उसे ही योग कहते हैं, ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है, शिव शक्ति का मिलन योग है, ठीक है। तो अपने आत्मा को परम पद मतलब श्रेष्ठ पद मतलब परमात्मा का पद से जोड़ता है, तो वही योग बोला यहाँ पे, ठीक है, इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज ज्ञान एवं, सहज मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज ज्ञान एवं संयम के द्वारा अद्वैत भावना। अब अद्वैत भावना क्या है कि द्वैत की भावना नहीं है, दो लोग नहीं है, एक ही चीज है, आत्मा परमात्मा एक ही चीज है, ठीक है, दो नहीं है, तो आपके द्वैत भावना नहीं होनी चाहिए, अद्वैत की भावना होनी चाहिए। तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज ज्ञान एवं संयम के द्वारा अद्वैत भावना के क्रम से साधना करनी चाहिए, इससे परम पद का अनुभव होना चाहिए और साहित्य के साथ आपने संयम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 दिन आपने किया, आपको ज्ञान मिला, अभ्यास किया आपने, बोले सिद्धि मिल जाएगी हमें, नहीं ऐसा नहीं होता है, समय देना पड़ता है, संयम बरतना पड़ता है, संयम, बिना संयम के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना संयम बिना धैर्य के आपको कुछ नहीं मिलेगा संसार, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक बार एग्जाम दे लिया आपने नेट जीआरएफ का, नहीं निकला, संयम खो दिया आपने, बोले नहीं आप तैयारी नहीं करना, आप तो कुछ नहीं होगा, मेरा जिंदगी खराब हो गई, मेरी कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, आप बार बार अभ्यास करना है, पुनः पुनः अभ्यास करना है आपको, ठीक है, निकलेगा, और अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपके साथ आपका अनुभव रहेगा पिछला, ठीक है, जैसा हम लोग का अनुभव हमारे साथ है अभी, हमने पिछली बार पढ़ा तो हमें उस चीज़ का अनुभव मिल रहा है अभी, हम जो पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती है पहली बार में ही कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, पूर्व ज्ञान जो हमारा है वो हमें काम आ रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा जब आप पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ें उसको, तो जब दूसरी बार आप शुरुआत करते हैं तो आप जीरो शुरुआत नहीं करते हैं, आप मतलब सक्सेस के बहुत पास होते हैं और आपको ज्यादा अनुभव होता है जिसने पहली बार में कर लिया उससे, क्योंकि आप चीजों को डबल डबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए फायदा है वो। आगे बढ़ते हैं, सोपाय किसे कहते हैं, सोपाय के बारे में बताया गया कि मैं स्वयं ही प्रकाश में अर्थात शिव स्वरूप हूँ, इस भावना को स्वयं ही निज आत्मा में स्थिर करके निरंतर इसी तात्विक स्थिति में स्थिर रहना चाहिए, स्थिति को सोपाय। अब वो खुद ही कह रहा है कि भैया मैं खुद ही ब्रह्मा हूँ, मतलब अपने आप को समझना कि मैं खुद ही ब्रह्मा हूँ, क्योंकि सिद्धि प्राप्त कर ली है, परम पद से मिल गया है वो, जब परम पद को प्राप्त कर लिया है तो एक तरीके से परमात्मा हो गया वो, ठीक है। बोला कि मैं स्वयं ही प्रकाश में, प्रकाश हम समझते कि ईश्वर को हम मानते हैं कि प्रकाश में ईश्वर होता है,
ठीक है, मैं स्वयं ही प्रकाश में हूँ अर्थात शिव स्वरूप में खुद ही हूँ, खुद शिव स्वरूप समझने लगना अपने आप को, इस भावना को स्वयं ही निज आत्मा अपनी आत्मा में समझने लगना कि मैं खुद एक शिव स्वरूप हूँ, मैं स्थिर करके निरंतर इसी तात्विक स्थिति में स्थिर रहना, मतलब उसी भावना में रहना कि हाँ मैं ही शिव हूँ। इस स्थिति को सोपाय कहते हैं। सोपाय के चार चीज बताई गई है। सहज का तात्पर्य क्या होता है? आत्मबोध, खुद का बोध, निज स्वरूप का बोध, खुद की आत्मा का बोध, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कारण है आने का, ठीक है, अपने आत्मज्ञान कर लेना, आत्मबोध कर लेना, यह बोला है आत्मबोध का मतलब। संयम का अर्थ होता है अपना निग्रह, सभी विषयों से मन को सर्वथा पर रखना, ठीक है, अपने मन को वश में कर लेना एक तरीके से, ठीक है, सभी विषयों से मन को सर्वथा पर रखना, मन को कंट्रोल कर लेना, ठीक है। सोपाय का अर्थ है चित्त की तत्व में पूर्ति, जो चित्त है उसको उसकी तत्व में पूर्ति, उसकी स्थिरता जाती तत्व में, एक तरीके से आपको जो आत्मा है, जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा को जान लेती, एक तरीके से समझिए आप कि वो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है तो भावना आती है कि एक ही भावना आ जाती है कि हाँ दोनों अलग अलग नहीं है, चित्त है तत्व में पूर्ति, पूरा स्थिर हो जाता है चित्त, चित्त स्थिर हो जाएगा तो उसके अंदर कुछ व्यक्तियां चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, उसके अंदर शांत रहेगा वो, जब शांत हो जाएगा तो एक तरीके से वो क्या बोलते हैं अपने अपने स्वरूप को जान लेगा, ठीक है, उसको परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब बोला है नेक्स्ट वाला, बोला है अद्वैत का अर्थ क्या? अद्वैत मतलब दो की भावना मिट जाती है और परम पद उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसे सिर्फ गुरु के मुख से प्रकट हुए उपदेश से ही जाना जा सकता है, ठीक है, ये चीज बताई गई है। इसे बोला है इसे सिर्फ गुरु के मुख से प्रकट हुए उपदेश से ही जाना जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? किसे सर? इसे किसे सर जी? किसे ये लिखा है ना, इसे सिर्फ गुरु के मुख से प्रकट हुए उपदेश से ही जाना जा, ये जो बता रहे हैं सोपाय के बारे में बता रहे हैं, सोपाय 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 के बारे में सर, या ये जो चार बताए गए हैं शहर संयम सोपाय और सोपाय, सोपाय के अंदर ही तो आते हैं ना जी सर, सोपाय एक अलग सोपाय, हाँ वो सोपाय के मतलब सोपाय के चार सोपांग के चार वो थे ना, सहज संयम सोपाय अद्वैत, तो इनको गुरु के मुख से प्रकट हुए उपदेश जा सकता है। हाँ जी हाँ ठीक है सर। आगे बोला है शिव जी का कथन है, शिव जी ने बोला है कि श्रेष्ठ उत्तम गुरु की कृपा के बिना सभी सिद्धियां असाध्य है। देखिए बोला ना कि इसमें हर चीज गुरु के बिना बोली, गुरु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते ना, शिव जी ने कहा कि कथन है कि श्रेष्ठ उत्तम गुरु के कृपा के बिना सभी सिद्धियां असाध्य है, मतलब उन सिद्धियों को भी मतलब नहीं है, वो सिद्धि आपको मिलेगी नहीं एक तरीके से, सब असाध्य है वो, ठीक है। तो गुरु की कृपा होना जरूरी है, गुरु ही श्रेष्ठ बताया गया यहाँ पे, ठीक है, गुरु के बिना सब निरर्थक है, गुरु के बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको, गुरु कृपा होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे जो हमारे दर्शक वगैरह हैं उसमें बताया गया है कि वेदांत उपनिषद को सुनने से तत्वासी तुम वहाँ ही ब्रह्मा हो, हंस मंत्र सोहम के उच्चारण से जीव एवं ब्रह्मा की एकता भावना से ध्यान समाधि, और ये जो बताया गया है ठीक है, ये जो बताया इसके बारे में ये पढ़ रहा हूँ मैं, ये बताया गया ठीक है, ध्यान समाधि जब मौन साधना से, तो इन सब से परम तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कुछ भी कर लो आप जब तक गुरु की कृपा ना हो, गुरु की कृपा होना परम आवश्यक है, बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते। आप पूरी साधना कर लो, तपस्या कर लो, आपको कुंडली जागरण कर लो, भले आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो गुरु की कृपा आपका परम होना परम आवश्यक है, तो गुरु को पसंद करो और श्रेष्ठ गुरु सदगुरु को पसंद करो, ऐसा नहीं फर्जी गुरु को, ठीक है। गुरु में भी होता है कि सदगुरु, सदगुरु सबसे श्रेष्ठ गुरु होते हैं, सबसे उच्च लेवल के गुरु होते हैं वो, ठीक है। तो उनकी कृपा होना परम आवश्यक है आप पे, तभी आपको परम पद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए और इसको पढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब बोला है आगे योगी की क्रियाएं भैरव की कीड़ा के समान होती है, ठीक है। अब योगी होता है वो भैरव की कीड़ा के, भैरव जो होता है, भैरव आप में जानते हैं भैरव देव कौन होते हैं, आप लोग जानते हैं भैरव देव कौन होते हैं, कहीं सुना आपने भैरव के बारे में? मनोज जी आपने सुना है कहीं भैरव के बारे में? शिव का एक हाँ, और हम लोग मतलब समझते हैं शिव का एक रूप होता है, बट थोड़ा अलग है उससे, तो काफी चीज मानते हैं, तो हम बोलते हैं कि हनुमान जी शिव जी का रूप है, ठीक है, तो काफी चीजें मानते हैं हम लोग, बट कुछ कुछ चीजें अलग होती हैं।
किसको पता है शिव जी के मतलब भैरव के बारे सर में? भैरव देव सर वही तो है ना जो गुफा में जिनका मंदिर है, एक उनकी प्रचलित उनकी कहानी प्रचलित भी। कहानी भी माता को जाते तो ऊपर भैरव देव है। वही 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 योगी योगी है घोड़ी क्यों तपस्वी तपस्या लंबे समय तक। हाँ जी ठीक है। तो इसमें बोला है कि योगी की क्रियाएं भैरव की क्रीड़ा के समान होती है, अर्थात वहां पूर्ण स्वतंत्र होता है, आजाद होता है वो भैरव की तरह, वहां अजर अमर होता है, दैत्य और देवता भी उससे नहीं मार सकते। ठीक है, इतना वो अमर अमर हो जाएगा तो कैसे मारेंगे उसको, पॉसिबल नहीं मारना, तो वो भैरव के समान होता है। अब आगे बोला इसमें, हाँ, जो परम पद को प्राप्त रहता है उसके शरीर में अलग अलग सिद्धियां आती है। अब परम पद को प्राप्त हो गई होगी, जो सिद्धियां आती है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि सिद्धियां क्या क्या सिद्धि उसको मिलती है। ठीक है, वो सिद्धियां मिलना जरूरी है, क्योंकि सिद्धियां नहीं मिलेगी तो ये सोचो कि आप कुछ आप मतलब परम पद को प्राप्त नहीं हो रहे हो। सिद्धियां मिल रही है बट आपको उन सिद्धियों में नहीं उलझना है। सिद्धियां आती हैं, जैसे समाधि के मार्ग में आप जाते हो, सिद्धियां आती हैं, बट आपको सिद्धियों को समाधि नहीं समझना है। वो एक एक तरीके से वो है, रास्ता है एक तरह से, और आपके सामने एग्जाम्पल है वो कि हाँ आपको समाधि मिलने वाली है, तो सिद्धियां आती हैं आपके मार्ग में। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि एक वर्ष में क्या होता है, जब सिद्धि मिलती है उसको, जो साधक होता है वो निरोगी हो जाता है, जो योगी होता है वो निरोगी हो जाता है, सर्वलोक प्रिय, सभी लोगों में प्रिय रहता है, सब लोग जानने लगते हैं उसको, सब लोग पहचानते हैं उसको। जैसे कि बाबा रामदेव हो, हमारे मोदी जी हो, हमारे मोदी जी तो योगी नहीं है बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि सब लोग जानते हैं उनको, उनको इतने सिद्धि प्राप्त है, सब सब जगह जानते, फेमस हो गए वो। ठीक है, निरोगी रहते हैं वो, बीमार नहीं पड़ते कभी, सभी उनके दर्शन करना चाहते हैं। अब सब लोग मिलना चाहते हैं मोदी जी से, रामदेव बाबा से, जो भी प्रसिद्ध लोग हैं उनसे, सब लोग मिलना चाहते हैं, सब लोग मिले उनसे एक तरीके से। तो मैं बात कर रहा हूँ सिद्धि योगी की। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर ले अपना। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इन लोग का, बट ऐसा नहीं कि ये लोग मतलब योगी हैं या मतलब ये सदगुरु हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सिद्धि योगी होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। सब लोग में प्रिय हो जाते हैं वो, निरोगी रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते वो, सभी उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो एक वर्ष में उसको ये सिद्धि मिलती है। अब दूसरे वर्ष में क्या होता है, कृतार्थ, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है उसकी। कृतार्थ मतलब सभी कामनाएं, जो भी कामनाएं है उसके अंदर सब पूर्ण हो जाती है, सभी वेद शास्त्रों का व्याख्या सब पढ़ लेता है वो, सबको ज्ञात हो जाता है, उसको सब आता है, पूरे वेद पढ़ लेता है, पुराण वुराण, वेद महाभारत रामायण सब उसको, सबको ज्ञात है, पूरे शास्त्रों का ज्ञात हो जाता है वो, ऐसा कुछ नहीं है जो उसको नहीं पता हो। ठीक है, सर्व ज्ञात हो जाता है भैया, जब सिद्धि मिल जाती है उसको, जब परमात्मा के जैसा हो जाता है वो, तो ऑब्वियस बात है सब पता होगा उसको। ठीक है, अब तीसरे साल में क्या हो जाता है, शरीर दिव्य हो जाता है उसका, सर्प बाघ आदि जंतु उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकते, कुछ भी मतलब सर्प काट ले तो कुछ असर नहीं होगा उसको। ठीक है, किसी ने भी काट लिया, जंतु ने भी काट लिया या किसी ने भी काट लिया उसको, किसी ने मार दिया उसको, तो वो मरेगा ही नहीं, अमर हो गया वो, तो मरेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं होगा, उसके शरीर में कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है, किसी के काटने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका शरीर दिव्य हो जाता है। भू अब चौथे साल में क्या होता है कि भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी के कष्टों से मुक्ति, दूर के शब्दों को सुन सकते की क्षमता। ठीक है, आप मनोज जी ने क्या बोला बेटे, वहां पे मैं सुन सकता हूँ मनोज जी ने क्या बोला। ठीक है, सोने जी कुछ बोल रही है, घर बैठ के मैं सुन सकता हूँ, तो वो सिद्धि आपके अंदर आ जाती है। भूख प्यास निद्रा सभी सर्दी गर्मी सब द्वंद्व होते हैं। आपने आसन का वो पढ़ा होगा, आसन का फल क्या दिया पतंजलि में बताइए? हाँ तपोद्वंद्वानुभिघातः। जी, तो वो द्वंद जो होते हैं, जो द्वंद आते हैं, ये भूख प्यास लगती है, निद्रा, इन सब पे विजय पा लेता है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, मतलब वो हर चीज में समान रहता है। ठीक है, भूख प्यास से उसको फर्क नहीं पड़ता, निद्रा भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, सर्दी गर्मी उसको मतलब परेशान नहीं कर पाएगी, कुछ उसको परेशान, जो भी कष्ट उसको जीवन में आएंगे सबसे मुक्ति पा लेगा वो। ठीक है, अब पांचवे में बताया है वाक सिद्धि और परकाय प्रवेश। वाक सिद्धि मतलब उसको जो बोलता है वो सिद्ध हो जाता है, एक तो पतंजलि ने बोला है, और एक और कहाँ बोला है वाक सिद्धि के बारे में, किसी उपनिषद में बोला है? इसी में हमने जो चक्र पढ़े थे ना, तो उसका फल बताया कौन था वाक्य, भूचक्र से? भूचक्र का फल, का। हाँ, भूचक्र। और किसी उपनिषद में, योग उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है जहां तक तो मुझे याद है। ठीक है, तो योग उपनिषद है, त्रिशत ब्राह्मण उपनिषद है, उसमें भी वाक सिद्धि के बारे में बताया गया है, आप लोग पढ़े जाके उसको एक बार। ठीक है, तो जो जो योगी बोलेगा जी, शीतली या शीतकारी प्राणायाम करने से भी वाक सिद्धि होती है, उपनिषद में बताया था। हाँ, मुझे याद है त्रिशको ब्राह्मण ने बताया जहां तक मैंने पढ़ा था उसको। ठीक है,
और वो पूर्व ज्ञान के हिसाब से है, पता नहीं सही सत्य के लिए, बट एक बार देख लें आप लोग चेक करने इसको, ठीक है। तो वाक सिद्धि उसको मिल जाती है, जो वो बोलता है वो जो भी बोल दिया उसने वो सब सिद्ध हो जाता है, सब सही हो जाता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेता है, ठीक है। बैठे बैठे वो जाके एक तरीके के शरीर में प्रवेश कर लेगा, सूर्य जी के शरीर में जाकर घुस जाएगा वो, ठीक है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है वो, मतलब एक तरीके से परमात्मा हो जाता है वो, ठीक है। इतनी उसके अंदर शक्ति आ जाती है, किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाएगा वो, शास्त्र नहीं काट सकते उसको, अर्थात वज्रपात हानि नहीं पहुंचा, मतलब एक तरीके से आपने आत्मा के गुण पढ़े हैं आपने गीता में, क्या बोला आत्मा में गुण बताइए, क्या है आत्मा के गुण? अलम छिदंत शस्त्राणि अलम धातु पावका अचैनम वेदंत आपो न शोषित मारुतः। बहुत बढ़िया। मैं बताया ना कि आत्मा को आप शस्त्र काट नहीं सकते, जला नहीं सकते उसको आप, नहीं बताया, नहीं बताया वहां पे कि पानी सु गला सकता, अग्नि सु जला नहीं सकती, जैसे बताया शस्त्र उसको काट नहीं सकते, तो वही तो बता रहे हैं, देखिए शस्त्र उसको काट नहीं सकते, वज्रपात हानि नहीं बचा सकता उसको, तो एक तरह से आत्मा से जैसा हो गया, आत्मा को परमात्मा मानते कि आत्मा परमात्मा मिलन जो योग होता है हमारा, ठीक है। तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। अब बोला यहाँ पे वायु वेगी, वायु वेगी का मतलब होता है वायु के समान वेग युक्त गति, जो वायु की गति उस वैसी गति जाती है वो हवा में उड़ने लगता है वो, ठीक है। जैसे हनुमान जी उड़ रहे हवा में, वैसे उसके अंदर शक्ति आ जाती है योगी के अंदर, ठीक है। चितिस त्यागी, पृथ्वी के आधार की आवश्यकता, मतलब वो हवा में उड़ता रहेगा, उसको पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है, बस सामान्य मनुष्य को पृथ्वी की आवश्यकता होती है, अपन लोग हैं अपन को आवश्यकता है पृथ्वी की, ठीक है, अपना जीवन पृथ्वी पे ही है। बट जब सिद्धि मिल जाती है, जब श्रेष्ठ योगी हो जाता है वो, तो उसको पृथ्वी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, वो आकाश में ही विचरण करता रहता है, दूरदर्शी हो जाता है वो, दूर के दृश्य को देखने में समर्थ हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कविता अंकुश कर रही है, ये सोने जो कुछ कर रही है, देख लूंगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अमेरिका में कोई बैठा है कुछ काम कर रहा है, उसको देख लूंगा मैं कहाँ बैठा है वो, क्या कार्य कर रहा है वो, तो उसके अंदर ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जब आपने पढ़ा होगा विभूति पाद में, उसमें सिद्धियां ना बहुत सारी, पर चित्त ज्ञानम, चित्त का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, नाभि का ज्ञान हो जाता है, और क्या क्या सिद्धि बताइए, बताइए मुझे आप लोग क्या क्या बोला है वहां पे, और बताइए सिद्धि बताइए हमारे विभूति पाद में। बोले हैं नाभि चक्रे कायवीय ज्ञानम, योग दर्शन की बात कर रहे थे सर। हाँ, योग दर्शन, हाँ, योग दर्शन, जल पंक कंटक से उसको कुछ नहीं होगा, वो हाँ पर काया प्रवेश हाँ कर सकेगा और दूसरों के मन की बात जान सकेगा, ऐसे काफी हाँ बात। जी, तो वैसे सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है, माइक ऑफ कर लेते, ठीक। अब अरिमादि सिद्धि की प्राप्ति होती है, अब अरिमादि सिद्धि कौन कौन बताया मुझे बताओ लाइन से। मैं कोशिश करता हूँ ना नहीं नहीं आप नहीं, अनिमा, किसी 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 से उससे ओके, पूछते हैं जो नया है, उससे पूछते हैं ताकि थोड़ा इनका रिविजन हो जाएगा, पतंजलि का भी देखते हैं कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है पतंजलि को। एक मिनट रुकिएगा, कौन किसने हाथ खड़ा किया है, सोफिया जी ने हाथ खड़ा किया, दीपक, दीपक जी आप बताइए। जो हमारी सिद्धियां हैं 8 सिद्धियां, अणिमा आदि सिद्धियां हैं, उनको बताइए आप सीक्वेंस से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कई बार आया भी है, ठीक है। दीपक जी आवाज नहीं आ रही, लाइब्रेरी में हो, कोई बात नहीं, विशु, विशु कौन है, विशु, विशु जी आप बताइए। हाँ क्या बात है, बोलते नहीं है, नहीं नहीं बोल रहे, ठीक है सर, ये देखिए आप चले गए क्लास से बाहर, ठीक है, जो नहीं बोलेगा वो क्लास से बाहर जाएगा। मनसे जी आप बताइए। जी, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये नहीं, 8 सिद्धियां। गलती गलती करी आपने, एक चीज गलती करी, बताओ क्या गलती करी इनने, कौन बताएगा। अणिमा
गरिमा को बाद में बोला है। नहीं, एक गलती और करिए। नहीं, इन्होंने इन्होंने ना प्राप्ति प्राकाम में वशित्व ईशित्व, इन्होंने ईश्वर के समान जब योगी होता है तो वो ईशित होती है, सबसे बाद की सिद्धि होती है, तो इन्होंने वो उससे पहले बोल दी वशित और ईशित्व। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग को एग्जाम में भारी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सीक्वेंस जमाने को आता है, इनका सीक्वेंस जमाइए आप। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को याद कर लें अच्छे से। ठीक है, जरूरी है, ये योग दर्शन से काफी क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। हमारे एग्जाम हमारा जो सिलेबस है सबसे ज्यादा क्वेश्चन योग दर्शन से ही बनते हैं, उसको भूलें ना आप लोग। ठीक है, तो जो साधक है योगी है उसको अणिमादि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। वज्र का वज्र काया वज्र के समान दृढ़ हो जाता है उसका शरीर। ठीक है, खेचर आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है, वो आकाश में घूमता फिरता रहता है वो तरीके से। भिक्षर सब दिशाओं में पहुंचने वाला, हर दिशा में पहुंच सकता है वो, किसी भी दिशा में बोलो कि यहाँ जाना है वहां चला जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, ये 90 साल 90 वर्ष में होता है। अब 10वें वर्ष की बात करते हैं। 10वें वर्ष में क्या होता है कि पवनाथ में दोबारा दिखाना है सिद्धि। हाँ मैं दिखाता हूँ जी, कुछ समझ में नहीं आया जी यहाँ से? नहीं सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके जी, ठीक है। पवनाथ वेगी मतलब वायु से भी तेज तीव्र गति हो जाती है उसकी। सबसे तेज गति किसकी होती है बताइए आप लोग? सबसे वायु 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 के नहीं नॉर्मल मन मन की माइक, एक जना माइक ऑफ कर चालू करेगा। ठीक है, सब लोग करेंगे तो दिक्कत होती है। ठीक है, मन की होती है जी जी, मन की गति सबसे तेज होती है। आपका मन 2 मिनट में, 1 मिनट क्या, 1 सेकंड मिनी सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगा। वो जो कितने दूर है अमेरिका है, मतलब कुछ कहीं पहुंच सकता है आपका मन, कहीं भी जहां पहुंचाना चाहो उसको, सिर्फ इतना मिनी सेकंड पहुंच जाएगा आपका मन। ठीक है, तो यहाँ बोला है सबसे तेज तो मन की होती है, फिर बोला है पवनाथ वेगी मतलब वायु से भी तीव्र उसका गति हो जाएगी योगी की, जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाता है योगी। 11वें वर्ष में क्या होता है कि पूर्ण सर्वज्ञ सब जानने वाला हो जाता है, सभी सिद्धि उसको, सभी सिद्धियां मिल जाती है उसको। और 12वें वर्ष में क्या हो जाता है, शिव के समान हो जाता है 12वें वर्ष में। स्वयं कर्ता हर्ता मतलब स्वयं कर्ता हर्ता, संसार का निर्माण करना है, संहार करना है, सब सिद्धियां उसके अंदर जाती है, वो संसार को बना सकता है, संसार को मिटा सकता है वो। ठीक है, स्वयं निर्माण एवं संहार में समर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार योगी 12 वर्षों में अलौकिक शक्तियों से युक्त होकर तीनों लोकों में भैरव के समान पूजा प्राप्त, जैसे भैरव की पूजा की जाती है ना, वैसे ही शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, जब उसके अंदर शक्ति आ जाएगी, जब उसको अंदर सब कुछ शक्ति मिल जाएगी, उसको सिद्धि मिल जाएगी उसको, तो उसकी पूजा होती है जैसे भैरव की पूजा पूजा होती है, वैसे ही उसकी पूजा होती है। अब आगे बोला है, गुरु के चरण कमलों से प्राप्त उपदेश को जीवन में धारण करने से समरस भाव रूप परम पद की प्राप्ति सहज हो जाती है। ठीक है, हम इसमें बोला है गुरु के चरण कमलों से प्राप्त उपदेश, गुरु के जो गुरु से जो उपदेश मिलेगा, गुरु के चरण कमलों से प्राप्त उपदेश को जीवन में धारण करने से समरस मतलब अद्वैत की भावना आपके अंदर आ जाएगी, तो परम पद की आपको प्राप्ति सहज ही मिल जाएगी। ठीक है, अब गुरु कुल संतान की 5 परंपरा बोली है। ठीक है, आयनाथ की परंपरा, बिलेश्वर की परंपरा, ये एग्जाम में आ सकता है, उसको थोड़ा ध्यान दें इसको। ठीक है, और उसको याद कैसे करना आपको बताऊंगा मैं। आयनाथ की परंपरा, बिलेश्वर की परंपरा, विभूति धारण की परंपरा, नाथ परंपरा और योगेश्वर परंपरा, क्योंकि ये 5 परंपराएं हैं। ये थोड़ा अलग दिया ग्रंथ में कि पूछ सकते हैं कि गुरुकुल संतान की 5 परंपराएं किस ग्रंथ में बताई गई है, बताइए कहाँ बताई गई है? सिद्ध सिद्धांत। ठीक है, तो इस ग्रंथ में बताई गई है ये 5 हमारी। देखो इसको कैसे, इसको सीक्वेंस याद करना आपको। सबसे पहले आएगी आयनाथ की, सबसे पहले हमारी आई होती है, आई मतलब माँ। ठीक है, कहते ना आई, आई मतलब महाराष्ट्र में आई माँ को आई बोलते हैं। नहीं, कोई महाराष्ट्र है यहाँ पे? नहीं है सोनिया जी, आप महाराष्ट्र से? जी महाराष्ट्र से हैं। जी, तो वहाँ पे मम्मी को आई बोलते हैं ना? जी जी, तो वहाँ देखिए सबसे पहले आई होती है, आयनाथ की परंपरा। दूसरे बिलेश्वर, बिलेश्वर में ईश्वर आता है। ठीक है, बिलेश्वर की परंपरा है। ठीक है, आई को ईश्वर मानते हैं हम कि भैया माँ हमारे ईश्वर होती है। ठीक है, विभूति धारण, विभूति पाद जो है हमारे जो योगदर्शन का कौन सा पाद है बताइए मुझे? तीसरा तीसरा तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? विभूति आ रहा है।
तो तीसरे नंबर पे विभूति आ गया हमारा नाथ परंपरा, ठीक है। नाथ जो हठप्रदीप का है उसका चौथा पाद क्या है, चौथा अध्याय क्या है? नाद अनुसंधान, ठीक है ना। चौथा पाद है तो यहाँ पे नाथ परंपरा से उसको जोड़ लीजिए आप, याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। बाकी योगेश्वर लास्ट में भगवान आते हैं, ईश्वर आते हैं भैया, ठीक है मैं आता हूँ लास्ट में, ठीक है। तो इससे आप उसको याद कर सकते हैं, सीक्वेंस आएगा इस एग्जाम में, आएगा तो याद हो गया आप लोग को, ये नहीं हुई बताइए, हो गया ठीक है। सोनिया, सोनिया जी आप बताइए। जी पांच परंपराएं बताई गई है, पहली है आईनाथ, उसके बाद थी विलेश्वर, फिर विभूति धारण नाथ, और लास्ट में योगेश्वर। बहुत बढ़िया, ठीक है ये आपको याद होनी चाहिए, ये जरूरी है काफी। अब हमारे इनके देवता बताए हैं, इनकी अवस्था बताई गई है, ठीक है। ये भी बहुत सरल है, ये जो चार्ट है ये काफी बड़ा है, मतलब इसमें जब आप टेक्स्ट में देखेंगे इसको तो 30 श्लोकों का चार्ट, अकेला चार्ट है ये, मतलब 30 आपके श्लोक कवर हो रहे हैं इस चार्ट में, ठीक है। तो उसका ध्यान रखें थोड़ा, ठीक है। तो कैसे याद करना है इसको देखिए बता दो। गुरुकुल संस्थान की पांच परंपरा हमारी आई, विलेश्वर, विभूति, नाथ, योगेश्वर हो गई, ठीक है। अब पंच तत्व हमारे इसमें उल्टे दिए हैं, जैसे हम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी लेते हैं, बट यहाँ उल्टे दिए हुए हैं, ध्यान रखना इसका। सबसे पहले पृथ्वी आएगा, फिर जल, अग्नि, वायु, आकाश, उल्टे दिए हैं, ठीक है। अब इनके गुण दिए हैं और देवता दिए हैं, अवस्था। देवता तो सेम दिए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, जो अपन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देवता वही दिए हैं, अलग नहीं दिया कुछ, ठीक है। हमारी अवस्था भी वही दी है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरय, तुरयातीत, पांच अवस्थाएं दी हमारी, ठीक है। गुण भी वही दिए, देखिए आई जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का गुण कठोरता होता है, पृथ्वी कठोर होती है हमारी, ठीक है। जल जो होता है, जल का थोड़ा अलग दिया है, आद्रता दिया है जल का, ठीक है। और इसमें देखो आद्रता में द्रा, द्रा नहीं है, हाँ हाँ सुनिए, तो सुनिए पूरी बात सुनिए, तो मनोज जी पूरा बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा आप, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक। तो आद्रता आ रहा है इसमें, ठीक है। तो कभी आपको मतलब नहीं पता इसका, तो देखिए द्रव, द्रव होता है जल, ठीक है। तो आद्रता में द्र आ रहा है, तो आप उसको याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद किया था, ठीक है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, जिसका भी आपको मतलब नहीं पता हो तो कुछ ना कुछ वर्ड जोड़ के उसको याद कर लीजिए आप, क्योंकि आपको याद करना है, ठीक है। आपको उस पर समाधि, आपको समाधि लगानी इस पर ना, आपको इस पर पीएचडी करनी है, ठीक है। अग्नि है, उसका गुण है तेज, अग्नि हमारी तेज होती है। वायु का संचरण, मतलब वायु बहती है हमारी, तो उसका हो गया संचरण। आकाश का हो गया हमारा स्थिरता, आकाश स्थिर रहता है हमारे एक जगह पे, ठीक है। तो पांच गुण हो गए इसके हमारे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे इसके गुण। कठोरता पृथ्वी का गुण होता है, जल का आर्द्रता, अग्नि का तेज, वायु का संचरण, आकाश का स्थिरता, ठीक है। पृथ्वी का गुण ब्रह्मा, हम जानते हैं कि पृथ्वी का गुण ब्रह्मा होता है, जल का विष्णु होते हैं हमारे, अग्नि का रुद्र, वायु का ईश्वर होते हैं, आकाश का सदाशिव, ये हमारे देवता हो गए। और इनकी अवस्था आप लोग पता ही है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरय, तुरयातीत, ठीक है। तो ये अवस्था भी आपको याद हो गई, तो ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग को शायद याद हो गई होगी चीज अभी तक, ये सुनो जी। बाकी लोग को याद हुई कि नहीं हुई बताइए जी। हो गई, हो गई ना नोरा जी? जी सर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अब योग की पांच अवस्थाएं हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरिया, तुरियातीत। का सूक्ष्मता है ज्ञाता योगी ही, सिद्ध पुरुष एवं योगेश्वरों का ईश्वर कहलाता है, योगेश्वर है सबका ईश्वर कहलाता है हमारा, जो इन पांच अवस्था को जान लेता है, सिद्ध पुरुष होता है और वो योगेश्वरों का कवि ईश्वर कहलाता है। परम पद की प्राप्ति में कोई विधि या निषेध नहीं होता है, जब परम पद की प्राप्ति आप कोई कर रहे हैं तो उसमें कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपके नियम फॉलो करने पड़ते कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बताए हैं चीजें कि एक चीज फॉलो करनी है आपको, पर कोई विधि नहीं है ऐसा नहीं, तो उसमें ऐसा नहीं कि भाई आपको करना ही पड़ेगा चीजें, गुरु की कृपा होगी आपके ऊपर तो आपको वैसे ही मिल जाएगी चीजें, ठीक है। गुरु कृपा जरूरी होना, ठीक है। अब परम पद को निरुत्थान पद कहते हैं, आप जानते हैं निरुत्थान पद होता है सबसे श्रेष्ठ पद होता है, परम पद भी सबसे श्रेष्ठ पद होता है। परम पद मतलब परमात्मा का पद, ठीक है, परमात्मा से मिलना आपका, ठीक। केवल गुरु प्रसाद से ही परम पद की प्राप्ति होती है, यहाँ लास्ट में बोला है कि गुरु प्रसाद से ही आपको परम पद की प्राप्ति होगी। सदगुरु के बारे में बताया गया है, सदगुरु कौन है? जो व्यक्ति अत्यंत अबोध शिष्य के आठों प्रकार के बंधनों की, अब आठ प्रकार बताए गए हैं, आठ प्रकार कौन कौन से हैं
वो ग्रंथ बताया नहीं गया, बट 8 प्रकार बता दिए यहाँ पे, कि जो व्यक्ति अत्यंत अबोध शिष्य के 8 प्रकार के बंधनों को करुणा रूपी तलवार से काट कर पूर्ण आनंद प्रदान करता है वही सदगुरु है। ठीक है, तो ये एक तरह से सदगुरु के बारे में बताइए, सदगुरु कौन है? जो व्यक्ति अत्यंत अबोध शिष्य के 8 प्रकार, 8 प्रकार कौन से हैं बताया नहीं गया है, जो बंधनों को काट कर करुणा रूपी तलवार से काट कर पूर्ण आनंद प्रदान करता है वही सदगुरु है। सदगुरु हमारे वो नहीं है, ईशा फाउंडेशन वाले नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये हमारा पंचम उपदेश यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और हमारे पास समय है अभी, तो हम 6ठा अध्याय शुरू कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है इस अध्याय में तो बताइए। सर मुझे ना कुछ पूछना था। जी बोलिए। जैसे ये हमारे पंच तत्व है, तो इनमें ना मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि ये मतलब इनका सही सीक्वेंस क्या हो, कहाँ से होगा? जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से होगा या फिर आकाश से स्टार्ट करते हैं? देखिए अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बताएगा मनोज जी, कहीं कहीं उल्टा बता दिया है, कहीं कहीं सीधा बता दिया है। वैसे ज्यादा हम पढ़ते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पढ़ते हैं, पृथ्वी लास्ट में आता है, बट कहीं कहीं क्या है उल्टा बता दिया है कि पृथ्वी पहले आता है फिर जल, आकाश, अग्नि, वायु, आकाश, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जगह जगह अलग अलग बताया गया है, आप उठा लीजिए हमारे उठा लीजिए कि जो वशिष्ठ में अलग बताया है, किसी किसी में अलग बताया है, तो वो तो याद करने का विषय है मनोज जी, आप उसमें क्या कर सकते हैं बताइए, जो लिखा है वही पढ़ना पड़ेगा हमें। ओके सर, उसको चेंज तो कर नहीं सकते हम कि भैया आपने क्यों लिखा है ऐसा, उल्टा क्यों बना दिया उसको। और कोई दिक्कत किसी को, कुछ प्रॉब्लम है? या आगे बढ़े हम, क्योंकि कल हमारा ये खत्म हो जाएगा SSP, और उसके बाद फिर आपका शुरू होगा आयुर्वेद, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको थोड़ा जल्दी करते हैं कि समय ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। 6ठे अध्याय का नाम क्या है आप लोग पता है बताइए? श्री नित्य अवधूत योगी। जी श्री नित्य अवधूत योगी, बहुत बढ़िया। श्री नित्य अवधूत योगी के लक्षण, तो अवधूत योगी किसे कहते हैं आप लोग को बताइए, किसे कहते हैं अवधूत योगी? आपने पढ़ा अभी, सोने जी आप बताइए। जी नीरज जी बताइए किसे कहते हैं अवधूत योगी? अवधूत योगी यानी जो श्रेष्ठ योगी है उसे कहते हैं क्या? गीता जी पढ़ी आप लोग ने? क्या गीता जी पढ़ी? गीता जी हाँ, गीता जी उसमें स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है उसके लक्षण बताइए आप मुझे क्या होता है, वो जो योगा रूढ़ साधक होता है। अध्याय 2 में बताया है स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है, अध्याय 6 में बताया है जो योगा रूढ़ साधक होता है, तो उनके लक्षण क्या होते हैं कौन बताएगा मुझे, बताओ क्या उनके लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं वो? आप लोगों ने गीता नहीं पढ़ी मुझे लग रहा है। वो एक लक्षण उसका शॉर्ट में बता सकते कि वो द्वंद्व है उसके समाप्त हो जाते हैं, वो कोई भी सिचुएशन में स्थिर रहता है। और जिसकी बुद्धि स्थिर हो। और जो जिसके सारे विकार समाप्त हो गए हैं और इंद्रियों से उसका वो विग्रह क्या बोलते हैं वो हो गया हो, उसको कोई आसक्ति नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता आप सभी को, थोड़ा अध्ययन करिए अच्छा से, गीता जी का अध्ययन करिए। आगे बोला यहाँ पे अवधूत योगी किसे कहते हैं? जो प्रकृति से उत्पन्न जीवन के सभी विकारों को समाप्त कर, जो भी प्रकृति में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, हर तरह के विकार, कोई भी विकार हो, सांसारिक विकार हो, जो कोई भी विकार होते हैं उत्पन्न हो रहे हैं, हर विकारों को समाप्त कर देता है, वहां अवधूत योगी होता है। ठीक है, धातु पाठ में धातु कंपन धातु है जिसका अर्थ होता है कांपना, मतलब कंपाना, चला देना, ये दूर कर देना, हटा देना। ठीक है, तो यह धातु का मतलब अवधूत, जो अवधूत में धातु है उसका मतलब बताया है, तो इसका अर्थ होता है कांपना, चला देना, दूर कर देना या हटा देना। तो आगे बताया इसका मतलब बताया है कि मन को वश में करके, मन को वश में कर लिया मतलब अपने चित्त की वृत्ति रोक लिया, अपने अभ्यास वैराग्य से अपने मन को वश में कर लिया। सूत्र नंबर 12 बताया गया है हमारे योग सूत्र के, कि अभ्यास वैराग्य से आप मन को वश में कर सकते हैं,
तो मन को वश में करके अपने मूल स्थान, जो मूल स्थान होता है अपना, परम शिव की महिमा से में चित्त को लीन करने वाले को अवधूत योगी कहते हैं। देखिए कितनी बढ़िया से बताया इन लोगों ने कि मन को वश में कर लिया, अभ्यास विराग से मन को वश में कर लिया योगी ने, अपने मूल स्थान पर परम शिव की महिमा, परम शिव की महिमा भी मिल गई, मैं चित्त को लीन, अपने चित्त को उनमें मिला देना, मतलब आत्मा को परमात्मा मिला देना, एक तरीके से बात कर लीजिए, जो आत्मा है आपकी परमात्मा से मिल गई, ठीक है, तो वो जब मिला लेता है उसको ही अवधूत योगी कहा गया यहाँ पे। अब देखिए दो तत्व बताए गए हमारे, वायु तत्व का बीज मंत्र होता है या यम, और अग्नि तत्व का बीज मंत्र होता है रम, ठीक है, दो वर्ण बताए गए यहाँ पे, तो इन दोनों का समरस ही चिद्दुदय का ओंकार है। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि जो दो तत्व हमारे हैं वो क्या है, मतलब उनका क्या है, क्या बोला गया बताइए, दोनों का समरस्यकरण, समरस्य क्या कहलाता है बताइए, जो दो तत्व हमारे ओंकार, जो हमारे दो तत्व बताइए, वायु तत्व, अग्नि तत्व। अरे यार आप तो माइक ऑफ नहीं कर, माइक ऑफ, एक जना कोई माइक ऑन करा, ठीक है, सब लोग ना करें, मैं नाम बोल दूंगा, ठीक है, अगली बार से। मैं ये बोल रहा था यहाँ पे, स्क्रीन जान दीजिए, हाँ, जो तत्व बताए गए दो हमारे, वायु तत्व और अग्नि तत्व, तो इन दोनों का समरस ही क्या कहलाता है, मनोज जी आप बताइए, मनोज जी इसमें तो, हाँ इसमें तो ओंकार लिखा है पर मैं सही से नहीं बता सकता, क्यों बता सकते सही से, क्या दिक्कत आ रही है बताने में आपको, शायद मैं सही तरीके से समझ नहीं पाया हूँ, इसलिए एक बार पढ़िए ना क्या लिखा है, शुद्ध अंतिम लिखा पढ़िए एक बार, वायु तत्व का बीज यम बताया है, अग्नि तत्व का बीज रम, और इन दोनों का सामरस्य मतलब दोनों का एक हो जाना, दोनों का समरस्य, समरस्य क्या पढ़ा हमने आगे, हाँ हाँ एक हो जाना दोनों का, हाँ तो उसको क्या बोलते हैं हम, हमका तो नहीं पता पर यहाँ ओंकार बताया गया, हाँ तो जी जो बोला है वही तो बोलेंगे ना अपन लोग, कि दोनों का एक रस समरस्य मतलब दोनों को मिल जाना, हाँ, चिद्रूप पे ओंकार बोला है, अब उसमें समझना क्या है, चिद्रूप मतलब चिद्रूप, चिद्रूप मतलब एक तरह से मिल जाना, एक तरीके से दोनों का, चिद्रूप का एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे पता नहीं है बट ओंकार बोला है ये पता है मुझे, शुद्ध चैतन्य भाव, किसने बताया जी, जी मैंने, पुट्टी जी ने, हाँ जी धन्यवाद, ठीक है मनोज जी, सचित आनंद रूप बोलते हैं ना हम उसमें का चिद, हाँ जी धन्यवाद, चित और रूप दोनों अलग अलग है, उसको मिला के चित रूप लिखा है इसीलिए समझ नहीं पा रहे, सचित चित रूप, चित्त का रूप बोल रहे हैं अपना, चित्त का रूप, जी वैसे ही होता है, चित्त का रूप, ठीक है, तो चित्त का रूप वो ओंकार बताया गया यहाँ पे, कि जब दोनों मिल जाते हैं, वायु तत्व और अग्नि तत्व मिल जाते हैं तो दोनों का एक ही मिल जाना ही हमारा ओंकार है, ठीक है, आगे बताया इसमें, अवधूत योगी, अवधूत योगी सभी क्लेशों से मुक्त होगा, उसे किसी में भी कोई भी आसक्ति नहीं होगी, उसका अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। देखिए जो हमारा अवधूत योगी होता है, अब बताइए सिद्धि प्राप्त होगी उसको, तो कौन से उसके पास क्लेश आएंगे, सब क्लेश से रहित होगा वो, ठीक है, सभी क्लेश से मुक्त रहेगा, अविद्या आदि उसके पास भटकेंगे भी नहीं उसके आसपास, ठीक है, तो परमात्मा स्वरूप हो गया है वो, तो उसके आसपास ये चीज आएंगी ही नहीं, तो अवधूत योगी सभी क्लेशों से मुक्त होगा, उसे किसी भी कोई भी आसक्ति, उसके अंदर आसक्ति भी नहीं होगी, ठीक है, उसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण भरोसा नियंत्रण होगा, इंद्रियों पर कंट्रोल वैसे भी कर लेगा वो, ऑब्वियस बात है, इतना कुछ मिल गया उसको तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण तो कर ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ बोला है आगे कि मात्र समझाने की दृष्टि, मतलब समझाने की दृष्टि से बताया गया है कि गीता में योगारूढ़ साधक और स्थित प्रज्ञ अवधूत योगी, मतलब जो वहां पे गुण बताए गए ना स्थित प्रज्ञ के और योगारूढ़ साधक के, वही यहाँ पे सेम बताया अवधूत योगी के बारे में, कि वही गुण इसके अंदर भी होते हैं, सेम गुण होते हैं, ठीक है, तो आप कभी अच्छे से वो पढ़ लेंगे वो चीजों को तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, वैसे बता दिया आप लोग को मैंने क्या होता है।
बाकी ये टेक्स्ट में नहीं दिया है बट आपको समझाने की तस्वीर से बताया गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बताया गया है अवधूत योगी शंख धारण करता है, आपने ऊपर पढ़ा था ठीक है, शंख धारण करता है अवधूत योगी, तो शंख का मतलब बताया गया यहाँ पे ठीक है, शंख का मतलब बताया गया यहाँ पे, सा मतलब सुख आनंद और खा मतलब परब्रह्म ठीक है, सुख पूर्वक ब्रह्म इसका मतलब होता है कि इस परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म रूपी संघ को जो धारण करता है उसे अवधूत कहते हैं, कि सुख पूर्वक पर ब्रह्म को धारण करने वाला, सुख पूर्वक पर ब्रह्म को धारण करने वाला ही हमारा अवधूत योगी कहलाता है ठीक है। तो पर ब्रह्म में सुख पूर्वक जो जो धारण करता है पर ब्रह्म को, ध्यान करता है उसमें, धारणा लगाता है, उसको ही क्या बोला यहाँ पे, अवधूत योगी बोला है, कि मतलब अपने आप को शिव शिव समझने लगना, अपने आप को भगवान समझने लगना, एक तरीके से अपने आप को ही शिव समझने लगता है, वो पर ब्रह्म समझने लगता है वो, तो उसे ही अवधूत बोला है ठीक है। अब अवधूत योगी है वो क्या क्या पहनता है, मतलब उसके आभूषण क्या है, तो बताया यहाँ पे क्या क्या पहनता है, वो पादुका, मृक्षम, शैली, पहते नहीं पहनते लिखा है वो ठीक है, पहते नहीं पहनते है वो, तो पादुका का मतलब क्या होता है यहाँ पे, परम पद के ज्ञान का प्रतीक, परम पद जो श्रेष्ठ पद होता है उसके ज्ञान का प्रतीक है हमारा क्या है, पादुका ठीक है। ध्यान रखे कि मतलब जो परब्रह्म का जो भी ज्ञान है ठीक है, इसको आप ले सकते हैं एक तरीके से जो परविद्या आपकी, परविद्या पराविद्या क्या होती है आप मुझे बताएंगे, पराविद्या क्या होती है और कहाँ बताई गई पराविद्या, बताइए मनोज जी आप बताइए, सर पर परा 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 विद्या कहाँ होता है ये, पर और अपर दो विद्या जो बताई गई है ना उपनिषदों में बताई गई है, कौन सा उपनिषद बताई गई है सर, मुंडक उपनिषद है क्या, मांडुक्य, यदि मनोज जी से पूछा है तो आप लोग अपने माइक ऑफ करें सर, मांडुक उपनिषद, आप लोग बिल्कुल ही आप लोग मैनर्स नहीं, अब मैं पूछ रहा हूँ मनोज जी से, आप लोग सब माइक ऑन करके बता रहे हैं, बताइए नहीं, एक इंसान से माइक ऑफ ऑन करें जिसमें बोलूंगा, आप लोग बीच से बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी नहीं होगी ठीक है। हाँ मनोज जी बताइए आप क्या बोला है उसमें, सर अभी बताया किसी ने मांडुक के उपनिषद में बताया, हेलो हेलो आवाज आ रही है सर मेरी, हाँ सर अभी बताया ना मांडुक के उपनिषद में बताया गया, क्या बोला है परविद्या को, मतलब क्या होती है परविद्या, उसमें ध्यान में नहीं है सर अभी, नहीं ध्यान में जी, सुनिए जी आप बताइए, मुझे पूछा नीरज जी, जी आपको पूछा, नहीं मुझे भी याद नहीं है, किसको पता है, हैंडल्स करें अपना, जी रिया गुप्ता जी आप बताइए, ये मुंडक उपनिषद में बताया पर और अपर विद्या, तो जो अपर विद्या है वो लोअर नॉलेज होती है, मतलब जैसे हम वेदास पढ़ टेक्स्ट जो पढ़ते हैं जैसे उपनिषद भगवत गीता वो सब, और जो पर ब्रह्म जो एक्सपीरियंस जो हम करते हैं वो हायर, मतलब ब्रह्म पर ब्रह्म को जो उसका साक्षात्कार होना वो पर विद्या है। हाँ जी, तो ये पर विद्या को आप आत्म प्रज्ञा समाधि भी ले सकते हैं, निर्वी समाधि भी आप को ले सकते हैं, और जो आप परा विद्या होती है सभी समाधि होती है, संप्रज्ञा समाधि ले सकते हैं उसको, तो जो वहाँ बताया गया है कि पर विद्या के अंदर अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर ब्रह्म का ज्ञान होता है आपको उसमें, ज्ञान उसमें बताया गया ज्ञान कांड का आपको ज्ञान होता है ठीक है, मतलब प्रगतिवाद मतलब ऊपर की ओर ले जाएगा आपको वो ज्ञान ठीक है। अपरा विद्या में बताया गया वहाँ पे कि चार वेद का, छह वेदांग का आपको ज्ञान होगा, कर्म कांड का आपको ज्ञान होगा उसमें ठीक है, तो वो उसके अंदर बताया गया, चार वेदांग हमारे होते हैं, चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और हमारे छह वेदांग होते हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बता रहा हूँ कि जो हमारा पादुका होता है, यहाँ बोला गया है कि पादुका परम पद के ज्ञान के प्रतीक, मतलब वो परम पद श्रेष्ठ पद ज्ञान के प्रतीक हमारी पादुका होती है, श्रेष्ठ पद मतलब एक तरीके से परम पद, सबसे श्रेष्ठ पद जो होता है ठीक है, यहाँ बताया गया
जो सबसे परे है, ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट बताया गया है मृगचम, महाव्रत का प्रतीक है, ठीक है। महाव्रत से आप क्या समझते हैं मुझे बताएंगे आप लोग, पता है किसी में? कहाँ पढ़ा आपने महाभारत? सर यम को महाभारत पढ़ा हमें पता है, था। वहां हमने योग दर्शन में पढ़ा है, यमों के अंतर्गत आते हैं महाव्रत, जो जाति देश और काल इसके सब इन सब से अलग रहता है। हाँ जी, तो यहाँ बताइए मृगचम महाव्रत का प्रतीक बताया गया, मृगचम। मृगचम क्या होता है मुझे बताइए आप लोग। मृगचर्म सर वो होता है ना, जो आसन हिरण की लगाते हैं खाल। हाथी के ऊपर वो लगाते हैं। गीता में तीन सीक्वेंस दिया ना आसन का, बताइए क्या क्या सीक्वेंस दिया। गीता में बताया ना आपको आसन कैसे लगाना है, पहले तो कुशा, फिर मृगछाल, फिर उसके ऊपर पवित्र वस्त्र। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ बोला है कि मृगचम महाव्रत का प्रतीक बोला है। तीसरा शैली बोला है, शैली बोला है लोका लोकोत्तर परम ज्ञान का प्रतीक है, मतलब एक तरीके से जो आम जनमानस है जो ज्ञान होता है उनका प्रतीक बताया गया यहाँ पे शैली, ठीक है। इसको आप अपरा विद्या से ले सकते हैं, ठीक है। तो सांसारिक जो ज्ञान होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। जो हमारा पादुका है परम पद, मतलब जो हमारा परा विद्या जो सबसे परे है, पर ब्रह्म का जो ज्ञान होता है उसको परा पादुका का ज्ञान बोला है। शैली मतलब जो आम जनस का ज्ञान होता है, सांसारिक ज्ञान होता है, उसके बारे में बात की गई है। तो लोकोत्तर परम ज्ञान का प्रतीक होता है। अब बोला है अवधूत योगी, बोला है आगे कि अवधूत योगी होता है जो वो क्या मेखला धारण करते हैं। मेखला जो होती है एक तरीके से आपने देखा होगा बच्चों को बचपन में पहनाते थे काला कलर का धागा कटी में उनकी नाभि में के आसपास, जो एक तरह से क्या बोलते हैं मेखला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको जो बच्चों को पहनाते हैं बचपन में, तगड़ी, हमारे यहाँ तो पगड़ी, बिल्कुल तागड़ी बोलते हैं। हाँ जो भी बोलते हैं उसको, तो उसको एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो मेखला है, ठीक है। तो अवधूत योगी जो है मेखला धारण करते हैं, आसन के रूप में कट चटाई कर रखते हैं, जो आसन है उसके रूप में चटाई रखते हैं अपने पास में, ठीक है। अब बोला है कि आगे बोला है कि मेखला क्या होता है, तो मेखला बोला है कमर में धारण किया जाता है, इससे विकारों से मुक्ति मिलती है। अब कौन कौन से विकार से मुक्ति मिलती है, बताया गया है कि काम, काम मतलब काम वासना, क्रोध मतलब जब गुस्सा आता है आपको, लोभ, लोभ मतलब होता है लालच, मोह मतलब होता है कि मोहित हो जाना किसी चीज पे, ठीक है। जैसे कि किसी भी कोई मोहित हो जाता है, जैसे कि भैया आप जो प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका पे मोहित होता है, कि कोई भी अटैचमेंट हो, ठीक है, मोहित होना अटैचमेंट होता है किसी भी इंसान से आपको। मद मतलब होता है अहंकार, ठीक है, और मत्सर मतलब होता है आपके ईर्ष्या करना, ईर्ष्या की भावना करना, ठीक है, किसी भी इंसान से जलना आपको, तो वो जो भी आपके अंदर ये विकार होते हैं तो इन सबको दूर कर देता है मेखला। मेखला जब पहनता है योगी, जब साधक पहनता है, जब श्रेष्ठ योगी उसको पहनता है तो कमर में धारण करता है, तो उससे ये विकार सब उसके समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब बोला है नेक्स्ट, क्या बोला नेक्स्ट, आसन भूत कर चटाई अपने स्वरूप अर्थात ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। चटाई को अपने खुद का स्वरूप का और ज्ञान का प्रतीक बताया गया है चटाई को। आगे बोला है ये सब उसके बारे में बताया गया है अवधूत योगी के बारे में। आगे बोला है इसमें कि जो दो कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करता है। कुंडल कहाँ पहनता है वो बताइए आप लोग, कानों में, कानों में, कानों में, कानों ये कुंडल आजकल लेडीज भी पहनती हैं और जो साधक होते हैं श्रेष्ठ साधक होते हैं वो भी पहनते हैं कुंडल। ईश्वर भी हमारे कुंडल पहनते हैं, भगवान भी कुंडल पहनते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो कुंडल चित्त प्रकाश, चित्त प्रकाश का मतलब होता है इसको मतलब परमात्मा के साथ का मतलब परमात्मा दिख जाते हैं उस तरीके से, परमात्मा का उसको साक्षात्कार हो जाता है, ठीक है। जैसे हम ध्यान करते हैं प्रकाश का, निराकार का ध्यान करते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं, ठीक है, चित्त का उसको प्रकाशित, हमारा चित्त प्रकाशित हो जाता है उससे, ठीक है, और हर प्रकार की अविद्या क्लेश आदि का नाश हो जाता है वो, ठीक है। जब क्लेश आदि का नाश होगा तो हमको विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी, विवेक ख्याति प्राप्ति होगी तो फिर क्या होगा कि हमें आध्यात्म प्रसाद मिल जाएगा, फिर हमारी जो रितंभरा प्रज्ञा है वो डेवलप हो जाएगी हमारे अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई गई है। उसके बाद क्या होता है, परमात्मा की प्राप्ति हमको हो जाती है, ठीक है। आगे बोला है दो कुंडल पहनता है तो वो किसका प्रतीक है, वो चित्त प्रकाश का और परमानंद का प्रतीक बताया गया है। रुद्राक्ष की माला पहनता है, उसने बोला है
उसमें क्या बोला है, इंद्रियों को विशेष के प्रति आकर्षण का अभाव, मतलब इंद्रियों को अपने विषय के प्रति रोकना, इसे अक्ष विश्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब आप रुद्राक्ष की माला पहनेंगे तो जो इंद्रियां हैं वो आपके विषय की तरफ नहीं जाएगी, उनसे दूर जाएगी, ठीक है, उनको रोकेगी गलत काम करने से विषयों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवधूत योगी फिर से बताया गया है कि दंड, दंड मतलब दंडा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा रामायण में देखा होगा आपने कि जो साधक होता है, जो योगी होता है, वो अपने पास दंडा रखता है एक, ठीक है, साधना करते हैं तो बैठते हैं, दंडा रखते हैं साथ। खरपर, खरपर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जिसमें वो भिक्षा लेते हैं साधक योगी, मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा कि जो तंत्र शास्त्र वगैरह होते हैं, जो भी नागा बाबा होते हैं, जो भी श्रेष्ठ योगी होते हैं एक तरीके से, तो वो एक उनके पास पात्र होता है, भिक्षा वाला पात्र होता है जिसमें भिक्षा लेते हैं वो, तो उसको यहाँ पर खरपर बोला है। ठीक है, योगपट, योगपट एक तरह से अंग वस्त्र होता है उनका, जो मतलब एक तरह से जो शरीर में पहनते हैं वो, उसको यहाँ योगपट बोला है, जो सम्मान के साथ दिया जाता है, जैसे कि इसका एग्जैक्ट मतलब तो मुझे पता नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है कि अंग वस्त्र होता होगा। के पूरम जी, हाँ लग रहा है ऐसे कि योगपट वही, योग पट, हाँ क्योंकि पट्टी वही होता है, वही होता है पट्टी यानी का जी, तो वही बताया गया यहाँ पर। दंड, अब यहाँ बताया कि दंड, खरपर, योगपट किस किस का प्रतीक है, दंड मतलब वो धैर्य का प्रतीक है, दंड, खरपर जो है वो पराकाश का प्रतीक है, ठीक है, और योगपट जो है इंद्रिय शक्ति का प्रतीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समय हमारे पास हो गया, 2 मिनट ऊपर लेते हैं, चलते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है, अब बाकी कल पढ़ेंगे। अब इसमें बोला है कि जो योगी द्वैत भाव और अद्वैत भाव संबंधी ज्ञान को की भिक्षा करके आत्मा के आनंद का आस्वादन कर निरंतर करता है और मैं ही शिव स्वरूप हूँ इस ज्ञान को रखता है, उसे अवधूत, देखो हर जगह ये बताया गया है कि वो खुद अपने आप को भगवान समझने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, अपुनिज भगवान है। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो सोचते हैं कि बस मैं ही भगवान हूँ अब, कि जो योगी द्वैत भाव को हटा देता है, अद्वैत भाव को रख लेता है कि हाँ सब दोनों परमात्मा आत्मा एक ही है, द्वैत भाव संबंधी ज्ञान को भिक्षा करके आत्मा के अंदर का आस्वादन निरंतर करता है और मैं शिव स्वरूप हूँ समझता है, इस ज्ञान को रखता है अपने पास, तो उसे अवधूत कहते हैं। अब खेचरी मुद्रा के अभ्यास से अमृत का पान करने वाला साधक भी अवधूत कहलाता है। खेचरी मुद्रा आपने पढ़ी है, हरप्रीत दीपिका में अच्छे से बताया गया उसको। ठीक है, और यहाँ बोला गया आगे कि वज्र के समान जिसकी शक्ति है, चिंतन की सीमा से परे है, वहां अवधूत है, कभी गृहस्थ कभी पूर्ण योगी, कभी पिशाच के समान नंगा, कभी राजा के समान, कभी सदाचर के उपदेशक गुरु के समान व्यवहार करता है। देखिए ये योगी होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल दो में कि जो भी बाबा होते हैं, जैसे कि आप बाबा से ध्यान करें तो आप जैसे कि साईं बाबा आपने देखा होगा, साईं बाबा के, हाँ आपने देखा साईं बाबा का सीरियल देखा होगा, किसी ने देखा होगा, तो मैं बताते हैं जो साईं बाबा होते हैं हमारे, वो कभी क्या करते हैं कि कभी तो मतलब बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छे कि भैया भगवान मतलब अच्छे से बन जाएंगे वो, कभी पागल बन जाएंगे वो, कभी भिखारी बन जाते हैं वो, कभी गुरु बन जाएंगे किसी के ना, कभी उनको कुछ नहीं होता है। ठीक है, कभी मतलब वो मिट्टी में अपने शरीर मिट्टी का बना लेंगे, कभी नंगे हो जाएंगे, मतलब कुछ भी कर लेते हैं अपने शरीर के साथ, वो कभी भी कुछ भी बन जाते हैं वो। ठीक है, तो वो हर चीज बन जाते हैं, जो चीज बनना चाहते हैं हर चीज बन जाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा है, कुछ नहीं जो वो बन नहीं सकते, परमात्मा हो जाते हैं वो, तो वो कुछ भी बन जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि कभी गृहस्थ का जीवन, कभी तो भैया गृहस्थ बन जाते हैं कि भैया हाँ गृहस्थ है वो योगी, कभी वो पूर्ण योगी बन जाता है कि वो उससे बड़ा योगी को संसार में कोई नहीं है, कभी पिशाच कभी राक्षस बन जाता है, कभी नंगा बन जाता है वो, कभी राजा के समान, राजा के समान सदस्य के बैठा है। ठीक है, तो कभी सदाचर, कभी सदाचर बन जाता है वो, उपदेशक गुरु के समान बन जाता है कभी कभी वो, तो ऐसा व्यवहार करता है, तो वहां उसे ही अवधूत योगी बोला है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ बोला है ना नेक्स्ट चार्वाक। ठीक है, चार्वाक दर्शन जो हमारे है, चार्वाक अब बहुत सारे बोलते हैं ये गृहस्थ बन गया है तो बोल रहे चार्वाक वाले बोल रहे हैं तो हमारे दर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, चार्वाक बोलते हैं ये तो हमारा वाला है, जैन दर्शन वाले बोलते हैं नहीं ये तो हमारा वाला है फॉलो कर रहा है तो शांति, ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। ठीक है, ये तो भैया हमारी चीज में भरोसा करता है हम पे, बौद्ध दर्शन मानते नहीं ये तो हमको फॉलो करता है, सब दर्शन मानते कि ये तो हमको फॉलो करता है, ये तो हम में है, सब दर्शन नहीं मानते हैं, तो अर्थात वहां कुछ भी हो सकता है, सभी उसे अपने अनुसार समझते हैं। ठीक है, वो हर चीज को अपना लेता है। ठीक है, वो हर चीज को रोल निभाता है,
उसे अवधूत बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है, आगे कल हम खत्म कर देंगे हम लोग, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, समझ में आया आप लोग यहाँ तक ही नहीं आया? मैं सुनो, देखिए थ्योरी का पार्ट ज्यादा है जी सर, ज्यादा है इसके अंदर, वो इतना इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि हर चीज के बारे में बताया, अवधूत योगी, अवधूत योगी, अवधूत योगी, सब कुछ उसके लक्षण बताए गए हैं कि वो कौन होता है, क्या है, क्या नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अपने आपको परमात्मा समझने लगता है, भगवान समझ लगता है, कि अपुनिज भगवान है। ठीक है, जो भगवान की क्वालिटी होती है वो सब उसके अंदर आ जाती है एक तरीके से। ठीक है, और लोग तो लेफ्ट कर रहे हैं सब लोग, क्वेश्चन आंसरिंग तो नहीं करना है क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू जी सभी को, धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए मुझे। जी आ रहा है सर, जी आ रहा है सर। कल हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद फिर आप लोग दूसरा पढ़ेंगे। और देखिए ये ग्रंथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, बट अब क्या कर सकते हैं इस ग्रंथ को, ऐसे ही ग्रंथ। फिर भी मैंने प्रयास किया कि आपको समझाया, मैंने काफी हद तक उसको अच्छे समझाया, तो कोशिश करिए। समझ में आता है नीरज जी, बट वो सब चीजें ध्यान में रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए रिवीजन जरूरी है। समझ में तो आता है समझ में, तो ठीक है। फिर तो आंखें कोमलता से बंद करेंगे, एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध कस्य स्निग्धनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रब करेंगे, दोनों हाथ धीरे से अपनी आंखों पर लगाएंगे, हल्के से आंखों को खोलना है, हैंड्स डाउन, रिलैक्स। हरिओम सभी को।